बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुजम्मल की फजीलत और बरकत। सूरह मुजम्मल पढ़ने का तरीका और उसके बेशुमार फ़ायदे। दोस्तों, सूरह मुजम्मल कुरान पाक की 73वीं सूरत है और ये 29वें पारे में है। आज हम आपको इसकी फजीलत और उसके पढ़ने के कुछ हैरान कुन फवायद बताएंगे, जिनको जानकर आप उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। इस सूरह को हमेशा पढ़ने वाला आ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा और उसकी तमाम दुनियावी हाजतें पूरी होंगी। दीन और दुनिया में उसे बहुत से दर्जे मिलेंगे, क्योंकि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत से कोई चीज़ बेहतर और बरतर नहीं है। इस सूरह के फ़वाइद बेशुमार हैं। अगर इसको पढ़कर हाकम के पास जाओ तो वो नहायत मेहरबानी और शफकत करेगा। रोज़मर्रा पढ़ने से रिज़्क में इजाफा होगा और अगर इस सूरह को लिखकर गले में बांध लें तो सेहत याब होगा। सूरह मुजम्मल को रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ना रिज़्क की तंगी दूर करने में बहुत फ़ायदा मंद है। सूरह मुजम्मल के नक्श को लिखकर घर में रखना बहुत ही फ़ायदा मंद है। इससे जिन्नात घर दाखिल नहीं होंगे, और अपने बाजू पर बांध लें तो जिन्नात के शर से बचा रहेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, इसे सदकाए जारिया समझकर अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।